हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। और आप वीडियो भी लाइक करते हो, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि फाइल कैसे लगवाएं, मतलब हाउ टू अप्लाई फॉर कैनेडा जो वीज़ा है, उसके वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें। सो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें जाना कहाँ पे है, कैनेडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। स्टडी अब्रॉड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एक गोल सेटिंग होती है। गोल सेट क्या होता है, उससे ये फायदा होता है आपको पता लगेगा कि आपने जाना कहाँ पे है और उसके हिसाब से आप फर्दर सब स्टेप्स लोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मेरा जो वीज़ा था सितंबर में मैंने अप्लाई किया, नवंबर को आ गया। तो मेरा जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया, कॉलेज ख़त्म करने के बाद मेरा ये प्लान था कि मैं कनाडा में जाऊंगा, बट मुझे कॉलेज का कंफर्म नहीं था कि ये मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज में जाऊंगा। मैंने कॉनेस्टोगा कॉलेज इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसमें वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो कोर्स है ना मेरा, वो लिंक्ड अप है जो मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने की हुई है, ठीक है, उससे लिंक्ड है। दैट्स वाई मैंने ये कोर्स चूज किया, और कोई बात नहीं है। तो फिर मैं कनाडा आ गया। सबसे पहले जो मैंने फाइल अपनी अप्लाई की थी, वो अप्लाई की थी AECC ग्लोबल से। ये AECC ग्लोबल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ IDP या AECC ग्लोबल, बिकॉज ये दो चीजें, दो ये जो एजेंट है ना, ये आपसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फीस नहीं लेते। एप्लीकेशन फीस तो होती ही नहीं है वैसे, मानो आपकी क्या फीस होगी। कई ऑफर लेटर पेड होते हैं, कई ऑफर लेटर फ्री होते हैं। आपको सेलेक्ट करना है कॉलेज, आप सेलेक्ट करिए अपना मस्त से। अब वो आपकी ऑप्शन होती है कि आपने $100 दे के ऑफर लेटर मंगानी है कॉलेज से कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसीजर आ जाता है ऑफर लेटर का। एजेंट कैसे सेलेक्ट करना है, एजेंट वो सेलेक्ट करें जो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस ना ले। प्रोसेसिंग फीस होती ही नहीं कुछ गाइस। मेरा जो है, मैंने जीरो प्रोसेसिंग फीस दी थी, ठीक है। ऑफर लेटर में इतना लकी था कि मुझे ऑफर लेटर के पे भी नहीं करने पड़े थे। अब इस साल जो है ऑफर लेटर वो पेड है कॉनेस्टोगा कॉलेज के लिए, ठीक है। ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, मुझे ऑफर लेटर आई। ऑफर लेटर जब आई मेरे पास, तो मैंने उसे रीड आउट किया कितनी फीस है, उसके अकॉर्डिंग मॉम ने पैसों का बंदोबस्त किया। तो आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं, मैक्सिमम मैं लगा के चलता हूँ आपके सेफ्टी के लिए 18-19 lakhs। उसमें क्या क्या आएगा, आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फीस आ जाएगी दोनों सेमेस्टर की। और हाँ, सेमेस्टर वाले में क्या है, एक सेमेस्टर में 4 months होते हैं और दो सेमेस्टर में 8 months होते हैं, ठीक है। 4 semesters का 1 month होता है यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे मुझसे पूछ रहे थे, सब्सक्राइबर भी, कि मेरा जो है वो कोर्स है 2 years का, इसका मतलब मेरा 16 महीने का कोर्स है, तो मुझे 3 years का वर्क परमिट कैसे मिल जाएगा। जो कनाडा में ऐसा होता है, जैसे 2 years का मेरा कोर्स है वो 16 months, इसका मतलब वो 2 years ही माना जाएगा। अगर आप 8 months का कोर्स कर रहे हो, वो 1 year माना जाएगा। तो इसका मतलब 1+1, अगर आप एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स लेके दोनों कोर्स करोगे तब भी आपको 3 years का वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल का अगर लगातार कोर्स करोगे तब भी आपको 3 years का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आप 3 साल का कोर्स करोगे तब आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। चलो ये सारी होगी सेमेस्टर्स की बात, ठीक है। आपका 18-19 lakh खर्चा आ जाएगा। फर्स्ट ईयर वही फीस होगी, ठीक है, GIC होगी, GIC 5.5 lakh, $10,200। तो GIC कहाँ से करानी है, स्कोशिया बैंक से। क्यों मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्कोशिया बैंक की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। स्कोशिया बैंक की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, किचनर में हालांकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, पर जो ICICI की है उनकी ब्रांचेस बहुत कम है यहाँ पे। तो ब्रांच है ही नहीं ICICI की। तो जो भी ICICI में खुलवा रहे हैं वो थोड़ा सोच लें, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड पीयूष का, उसका ICICI में अकाउंट खोल दिया था एजेंट ने। क्यों खोल दिया था, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन आती है, और ICICI बैंक कॉन्टैक्ट करता है एजेंट्स को, और एजेंट्स उनके थ्रू आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं। तो आप पहले ही मेंशन कर दीजिएगा कि प्लीज ओपन माई अकाउंट इन स्कोशिया बैंक,
स्कोशिया बैंक में अकाउंट ओपन करने का ये फायदा होगा, ब्रांच बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाओ कोई भी प्रॉब्लम आती है। अगर आईसीआईसी का ब्रांच होगा आपको ब्रैम्पटन जाना पड़ेगा, स्कारब्रो में जाना पड़ेगा किचनर से, और रजिस्टर करके बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जीआईसी हो गया आपका, फीस हो गया, ऑफर लेटर आने के बाद आपको क्या करना है, फीस भरनी है। पहले होता है इनका रजिस्ट्रेशन फीस, एडवांस रजिस्ट्रेशन अपनी सीट वो करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए मैंने दिए थे $1500। $1500 देने के बाद मैंने दिए थे $13,100 दिए थे, तो मैंने $14,600 दिया था। फीस देने के बाद आप जीआईसी अप्लाई करते हो, जीआईसी अप्लाई मीन्स स्कोशिया बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो, आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। स्कोशिया बैंक की एक ऑनलाइन पोर्टल बनता है, उसमें आपकी मेल आईडी और वो पासवर्ड वो आपको एजेंट दे देगा, उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकलता है, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू आप बैंक जाओगे, एक्सिस बैंक या कहीं और फोरेक्स डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट करोगे कि आई वॉन्ट टू मीट फोरेक्स डिपार्टमेंट। अगर आप नॉर्मल डिपार्टमेंट में जाओगे, नॉर्मल बैंक किसी कैशियर को कहोगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे जीआईसी करानी है, ठीक है। फोरेक्स डिपार्टमेंट में जाओगे, एक्सचेंज रेट पता करोगे, तो एक्सचेंज रेट का क्या हाल चाल है, माना मेरा जो एक्सचेंज रेट था वो बहुत हाई था, मैंने फीस उसके एक दिन बाद ही एक रुपए कम हो गया, तो बहुत लॉस हुआ, मतलब 10 to 13,000 का लॉस हो गया मुझे, 13,000 रुपीज का। तो हालांकि इसमें ये आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप जीआईसी भर रहे हो ना, रेट फ्लक्चुएट होते हैं, अगर कोई आपको बैंकर जानता है ना, आपको बैंकर, वो आपको 50 पैसा डिस्काउंट भी दे देगा, मुझे दे दिया था डिस्काउंट, बट वो जानते नहीं थे, बहुत अच्छे थे पर्सन, तो उससे क्या होगा था, मेरे थोड़े से पैसे कम लगे थे। तो यही मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, अगर आपके लिए पैसे मैटर करते हैं ना, आप ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रहोगे, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं ये सारी बातें एक ही वीडियो में कवर करूंगा, ताकि मुझे कोई दूसरी तीसरी वीडियो बनानी ना पड़े, तो ये वीडियो क्या पता 10 मिनट तक लंबी चली जाए, तो चली जाए, कोई बात नहीं, जाने दो। मेरा ये मोटिव है कि आपको एक वीडियो में सब समझ आए, ठीक है। ये वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, ठीक है। आपने जीआईसी भर दी, जीआईसी भरने के बाद क्या होता है, आपने वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा अप्लाई के लिए एम्बेसी की फीस होती है 8500 इंडियन रुपीज होती है, आएगा शायद वो बढ़ गई होगी, ठीक है। 8500 इंडियन रुपीज आपने दे दिया एम्बेसी को, फिर आपको मेडिकल कराना होता है। जो मेडिकल मैंने कराया था वो अपोलो हॉस्पिटल में कराया था, तो वो लुधियाना में है, तो मैं लुधियाना में ही रहता हूँ, तो अपोलो हॉस्पिटल मेरे नज़दीक था, तो मैंने वहाँ से करा दिया था। हालांकि जो भटिंडा जलंधर यहाँ से भी लोग आए थे अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल कराने, तो उसकी फीस थी अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़ पे करने के बाद मुझे मेडिकल की एक रिसिप्ट मिलती है, वो मुझे फाइल में लगानी होती है। जब हम एम्बेसी में फाइल अप्लाई करते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देते हो क्या क्या लगते हैं, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th प्लस 2 कॉलेज किया है, आइल्स का सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सारे चीज़ें लगती हैं। उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है 15 to 20 days, एम्बेसी फाइल के साथ आपका वो जीआईसी की रिसिप्ट भी लगेगी और कॉलेज की फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट भी लगेगी। कॉलेज की फ़ीस कैसे पे करनी है, कॉलेज की फ़ीस आप फ्लाई वायर के थ्रू कर सकते हो, फ्लाई वायर के थ्रू मैंने किया था। अगर ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बता देना, मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली वीडियो बना दूंगा। फ्लाई वायर में वैसे नॉर्मली बता देता हूँ फ्लाई वायर होता गया। फ्लाई वायर एक वेबसाइट है जो आपकी फ़ीस एक तो फोरेक्स एक्सचेंज करती है और आपके कॉनेस्टोगा कॉलेज को जमा करा देती है, आपका एक पेमेंट आईडी बन जाती है, तो उसके थ्रू आपकी फीस चली जाती है और वो अपडेट होने में 5 to 10 days लेता है कॉनेस्टोगा कॉलेज, तो आपको उसकी रिसिप्ट तो मिल जाती है, तो वो रिसिप्ट आप फाइल में लगाओगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको दोबारा बार बार वीडियो आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद आपने वीजा अप्लाई कर दिया और वीजा अप्लाई करने के बाद 15-20 दिन या एक महीना आप रुक गए, मेरा तो 10 दिन में वीजा आ गया था, और वो भी आया था, मेरा मई इनटेक था, मेरा नवंबर में वीजा आ गया था, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 5 महीने पहले वीजा आ गया था, तो मैं तो जॉब कर रहा था, तो डिकैथलॉन में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आपको वीजा पहले आ जाता है ना, तो आप प्रिपेयर कर लो अपने आप को कोई चीज सीखने में,
जितना ज्यादा चीज आप एडिशनल सीखोगे उतना ज्यादा आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो वो चीजों को, ठीक है। उससे ये फायदा होगा आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा वीजा आ गया तो मैंने वेट किया और क्या फ्लाइट बुक की। फ्लाइट बुक करने आप स्काई स्कैनर से फ्लाइट बुक कर सकते हो। अगर आपने वीडियो देखनी है हाउ टू गेट चीप फ्लाइट तो यहाँ पे मैं अभी लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करना, आपको वीडियो पता लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका वीजा आ गया, आपने फ्लाइट बुक कर ली। बात आ गई पैकिंग की, तो मैं पैकिंग पे एक और अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने लैपटॉप रखूंगा अपने सामने और आपके लिए टाइप करके सारी चीजें रखूंगा जो जरूरतमंद है, ना कि मैं फालतू वालतू चीजें मंगाऊं। क्योंकि मैं दो बैगेज लाया था 23 kg के दो, और मैं जो एयरलाइन से आया था फ्लाई एमिरेट्स, उन्होंने स्टूडेंट ऑफर में देना था 3 baggage, बट मैं 2 baggage लेके आया था क्योंकि मेरे यहाँ अकोमोडेशन का नहीं हुआ था। अकोमोडेशन का मतलब यहाँ मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं था, रिलेटिव नहीं था। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे दिलप्रीत पिकअप करने आई थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऐसी फ्रेंड सबको मिले। तो दिलप्रीत ने मुझे पिकअप किया और अपने घर रखा 15 दिन, 15 days मुझे लगे अकोमोडेशन ढूंढने में। और आप एयरबीएनबी में रह सकते हो, एयरबीएनबी बहुत अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, अकोमोडेशन के लिए। जब आप लैंड करोगे आप एयरबीएनबी में रहोगे अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। और आप अकोमोडेशन एक बंदा ना ढूंढे, आप 4-5 ग्रुप बना लो, मतलब अपना व्हाट्सएप का। मैंने जैसे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं सितंबर इनटेक में, अगर आप ऐड होना चाहते हो तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ऐड कर लूंगा। उसमें से आप अपने कोर्स का बंदा ढूंढ के उसे मैसेज कर लीजिए और वो बंदा आपसे कम्युनिकेशन करेगा और उसके थ्रू आप लिंक्ड अप हो जाओगे। फिर आप 4-5 इकट्ठे रूम ले सकते हो, रूम मतलब अपर हाउस, जैसे मैंने अपर हाउस लिया है, मेरे पीछे ही है वहां पे घर। तो ये चीजें होने के बाद यही है अकोमोडेशन का, तो ये हो गया, ठीक है। और इमिग्रेशन में तो यही होगा, मतलब हाउ टू स्टडी अब्रॉड, मैंने शायद सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, ठीक है। अगर कोई चीज कवर अप नहीं की आप कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आई होप आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। और आपको कैश कितना लेके आना चाहिए, आपको $2,000 कैश लेके आना चाहिए अपने साथ, ठीक है। अगर आप 2000 में क्या होगा, फोरेक्स कार्ड की वीडियो नहीं देखी तो फोरेक्स कार्ड का लिंक भी डाल दूंगा ऊपर। फोरेक्स कार्ड में $1,800 ले आना और $200 कैश रख लेना, या फिर आप कार्ड का ये फायदा होता है फोरेक्स कार्ड का कि अगर आपको घर से फीस मंगानी होगी ना तो आप बस उन्हें कह देना अपने पेरेंट्स को, वो ब्लड रिलेशन शो करके वो पैसे डाल देते हैं फोरेक्स कार्ड में। आप यहां से कैश विड्रॉ कर सकते हो और वो कैश आप स्कोशिया बैंक में जमा करा के फीस क्रेडिट कार्ड से भर के, तो यही प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स कार्ड ले आना और कैश कम ले आना अपना, ठीक है। और GIC जो आपको $2,000 मिलेगी उसे बचा के रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसे वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ जो GIC मिलेगी उसे स्पेंड करना थोड़ा वाइजली। तो यही सारी वीडियो थी, इसी बारे में मैंने सोचा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे स्टडी कैसे करें, कोर्स कैसे सेलेक्ट करें, कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें। इस पर मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, पर ये वाली चीज़ें मैं उसमें नहीं बोलूंगा। उसमें मैं ये बोलूंगा कॉलेज कौन सा ले, कोर्स कौन सा सेलेक्ट करें। कॉलेज वैसे आपको DLI नंबर जिनका होगा ना वो वेरीफाइड कॉलेज होता है, डेजिग्नेटेड लर्निंग लाइसेंस होता है उनका। तो उससे ये फायदा होगा कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। कई कॉलेज बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनसे उधर पढ़ने के बाद भी वर्क परमिट नहीं मिलता। तो मेरी यही सजेशन रहेगी ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना, ठीक है। बाकी बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी और छोटी वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके अपने प्रॉब्लम जरूर बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।